नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम अभिलाषा है और मेरा आज का वीडियो है कुछ प्रसिद्ध श्री हनुमान जी का मंदिर इन हुबली धारवाड़। पहला मंदिर सिंधु भवन के सामने का छोटा सा हनुमान मंदिर, जो बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान है। ये हनुमान जी का मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली और सारे मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री मारुति जी का मंदिर है। दूसरा हनुमान टेम्पल, नुग्गी केरी हनुमान टेम्पल की बात कर रही हूँ, जिसकी दूरी लगभग हुबली से 20 किलोमीटर और धारवाड़ से लगभग इसकी दूरी 8 किलोमीटर के करीब है। ऐसा माना जाता है और इसकी मान्यता ये है कि यह स्वयंभू हनुमान मंदिर है, जो लगभग 400 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। माना जाता है कि स्वयं हनुमान जी ने अपने भक्त को दर्शन देकर, स्वप्न में दर्शन देकर बोला कि ये जो समीप का जो लेक है, इसके अंदर में मेरी प्रतिमा है, इसे निकाल कर स्थापित करो। और तभी से ये हनुमान मंदिर यहाँ पे विराजमान है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे हुबली धारवाड़ के एरिया में। और जो भी लोग हुबली देखने आते हैं, वो ये हनुमान टेम्पल, नुग्गी केरी हनुमान टेम्पल ज़रूर देखने आते हैं। यहाँ के हनुमान जी का नाम है बाल भीमा हनुमान मंदिर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अलौकिक मंदिर है ये। यहाँ के प्रांगण में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है बैठने के लिए, पूजा करवाने के लिए, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर नवग्रह भगवान की भी पूजा करा सकते हैं। कुछ स्पेशल दिन जैसे कि रामनवमी, हनुमान जयंती के दिन यहाँ पे भक्तों की लंबी कतार रहती है। इसके साथ साथ शनिवार और मंगलवार को भी यहाँ पे मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ही सुंदर मंदिर का प्रांगण है, मंदिर की प्रतिमा भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं यहाँ पर। मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तीसरा हनुमान टेम्पल जो हुबली की बात करने जा रही हूँ, वो है रमेश भवन के पास में केशवपुर हनुमान मंदिर, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर के दीवारों पे जितनी सारी मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं, वो हनुमान जी के अथाह समर्पण, प्यार और को दर्शाता है श्री राम जी के लिए। ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे हनुमान जी जो हैं वो काले रंग के हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर है। इनके प्रांगण में भी बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी यात्रा काफ़ी अच्छी। पवन पुत्र के मंदिर में आप भगवान की कुमकुम पूजा, बटर पूजा और अन्य पूजा भी आप पंडित जी को बोल के करा सकते हैं। अगला मंदिर जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, वो भी स्वयंभू हनुमान मंदिर है और ये एयरपोर्ट रोड के आप लेफ्ट साइड में जब देखेंगे तो काफ़ी बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, जिसे धारावती हनुमान टेम्पल बोला जाता है। और ये हनुमान मंदिर भी जो है वो स्वयंभू हनुमान मंदिर है, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना, लगभग 500 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। इसके कण कण में पॉजिटिविटी बसी हुई है, काफ़ी सारी मान्यता है ये हनुमान जी के मंदिर से जुड़ी हुई। और ये हनुमान मंदिर को वीर अंजनेया मंदिर बोला जाता है। यहाँ ये मान्यता है कि मंदिर के अंदर आप देखेंगे एक बड़ा सा चप्पल रखा हुआ है, लोग इससे अपने आप को थपथपाते हैं, पीटते हैं, और ये माना जाता है कि इसके पीटने से भक्तों के कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, भगवान की प्रतिमा मन को मोह लेने वाली है। जब भी कोई पूजा होती है, वो शनिवार, मंगलवार या फिर रामनवमी, कोई भी पूजा, इस मंदिर की आभा कुछ और होती है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर हनुमान मंदिर। अगला हनुमान मंदिर जो बात कर रही हूँ, वो है रेणुका नगर के हनुमान जी का मंदिर। ये पवन पुत्र हनुमान का मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर है, हुबली के बीच में स्थित है। अगला हनुमान मंदिर किम्स हॉस्पिटल के पास का छोटे से हनुमान जी का मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ की आभा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जय श्री राम। मुझसे इस वीडियो को बनाने में अगर किसी तरह की भी त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद।